A1 क्या क्या दिया हुआ है, PA एंड PB आर टेंजेंट, ये हमें दिया हुआ है। दूसरा हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये मेरा 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, तो इसी के लिए हम यहां पर काम करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि जहां पर ये रेडियस जाके टकराता है वो 90 डिग्री बन जाएगा, यहां से यहां तक 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमने पढ़ा है द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफोर अब यहां पर हम लिख सकते हैं OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देन OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इसको भी नाम देना चाहते हैं तो इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 नाम दे दो, तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ये मेरे पास आ गया। दूसरी चीज हम देख पा रहे हैं कि ये जो चार साइडें बन रही हैं तो इन ट्रायंगल PBOA ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सो चारों साइडों में क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल 360 होता है। सो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 मिला के कितना आएगा 360 डिग्री। इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते थे, ASP मैं लिख देता हूं। इससे क्वेश्चन काफी आसान हो गया कि मुझे एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री प्रूफ करना है, 3 और 4 मुझे 90 पता लग चुका है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री एंड गेटिंग 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हैंड्स को सबसे छोटा मेथड। सो